नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। धामपुर में आज धन धन श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के पावन पर्व पर परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु नानक देव जी का जमकर किया गुणगान। उन्होंने कहा, गुरु नानक देव जी का बलिदान नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने अपनी कौम के लिए, सिख समाज के लिए जो बलिदान दिया है, उसे कभी नहीं भुला पाएंगे। गुरु नानक देव जी ने पवित्र यात्रा कर अद्भुत बलिदान दिया। गुरुद्वारा कमेटी द्वारा इस पर्व पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। सभी भक्त जनों ने लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम के दौरान सरदार सतवंत सलूजा, सरदार सतवीर सिंह उर्फ मणि, एसपी सलूजा, सरदार गुरुचरण मोहन, सरदार सतपाल सिंह, रॉकी सभासद पालिका अध्यक्ष राजू गुप्ता, राघव शरण गोयल, हरपाल सिंह, चावला मास्टर अनिल कुमार, परसोत्तम अग्रवाल, सरदार हरभजन सिंह उर्फ मिनिस्टर आदि लोग मौजूद रहे। धामपुर से हमारे संवाददाता दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। गुरु नानक देव जी ने इस सिख यात्रा का शुभारंभ किया। एक ऐसी पवित्र यात्रा जिसमें से निकल के और निखर के अनगिनत बलिदान हुए, कौम की रक्षा के लिए तमाम जवानियां जिंदगानियां गई और तमाम कहानियां हमारे सामने उपस्थित हैं। निश्चित रूप से गुरु नानक देव जी ने इस यात्रा का आरंभ किया। उनका होना परमात्मा के साथ उनकी एकात्मता का प्रतीक। वो ऐसे गुरु, ऐसे महान गुरु, ऐसे पथ प्रेरक जो परमात्मा के साथ एकात्म हो गए। उनका एकक शब्द हमारे संपूर्ण जीवन को प्रेरणा देता है। आज धामपुर गुरुद्वारा पावन पर्व पर आना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आज परम पूजनीय श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है और इस प्रकाश पर्व पर, इस पावन दिवस पर यहाँ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी और गुरु को मानने वाले सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और मैं भी उसी परंपरा का एक तरह से वाहक हूँ, मैं भी उसी परंपरा का अनुयायी हूँ, इस नाते मैं भी यहाँ उपस्थित। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।